शॉर्टकट के साथ साथ आपको डिटेल्ड मेथड भी सीखना इंपॉर्टेंट है. टेस्ट देने से भी इंपॉर्टेंट टेस्ट एनालिसिस होता है. यू हैव टू फर्स्टली प्रिपेयर फॉर्मुला शीट, उसके बाद डायरेक्टली जंप करो पीवाईक्यूज पे. ठीक है, एक तेर दो निशान है, पेपर भी सॉल्व हो रहा है और पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो रहा है. कुछ के होता है कि लाइफ में श्रद्धा नहीं है तो पढ़ के क्या फायदा है. तो श्रद्धा तभी आएगी जब कॉलेज अच्छा मिलेगा. श्रद्धा ने भी प्रपोज कब किया था मनोज को, जब वो इंटरव्यू जा रहा था, एग्जाम क्रैक थी भाई की. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर वीडियो एंड लास्ट वीडियो ऑफ टॉपर सेशन. तो ये वीडियो पहले के वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज जिस वीडियो में जो टॉपर को इनवाइट किया है, जो ना बल्कि एक COEPN है बट अल्सो सी इज MSTCET टीचर. ठीक है, वो पढ़ाती है 11th 12th के स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों से. तो हाँ, उसका एक्सपीरियंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस कंप्लीट वीडियो में. कंप्लीट 25 मिनट्स का वीडियो आपके लिए बहुत वर्थ इट रहने वाला है. तो चाहे तो वीडियो 2x में देख लो, बट हाँ, यू शुड वॉच दिस वीडियो इंटायरली. तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं. अगर आपने अब तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है सीटी के एग्जाम में, आई नो टाइम बहुत कम बाकी है, अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, मान लो ऐसे कोई बच्चे जिनका सिलेबस हो चुका है, उन्हें अब क्या करना चाहिए, जिनका सिलेबस अभी भी बाकी है उन्हें क्या करना चाहिए, तो कंप्लीट ये वीडियो रहने वाला है. तो ये 25 मिनट्स आपके लिए बहुत वर्थ इट रहने वाले. एंड टॉकिंग अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भैया फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च करो. द एग्जाम पोर्टल दैट वी आर यूजिंग, वो हमें पर कैंडिडेट के पीछे चार्ज करता है. एंड रीजन बिहाइंड यूजिंग दैट पोर्टल की जो MSTCET का एक्चुअल एग्जाम रहता है उसका इंटरफेस उस एग्जाम पोर्टल से मैच करता है. यू जस्ट नीड टू पे प्लेटफॉर्म चार्जेस, दैट इज 9 rupees. तो 9 rupees प्लेटफॉर्म चार्जेस पे करके आप दे सकते हो हमारे पोर्टल पे. तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, आपको सिंपली वेबसाइट के पोर्टल पे आना, यहाँ पे जो फ्री मॉक टेस्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे टैप करके आपको इंस्टेंटली 9 rupees का पेमेंट करके आपको आपकी टेस्ट स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, एक बार तो लिंक आपको ब्रीफली यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एक बार तो एटलीस्ट इस पोर्टल से टेस्ट देख के दिखनी है, बिकॉज जो सीट का इंटरफेस है आपको एक बार तो प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप जब एक्चुअल एग्जाम के डे पे जाओगे तो आपके लिए कोई भी ऑप्शन या फिर टेस्ट कैसे देने आपको नया नहीं रहना चाहिए. ठीक है, दैट्स आपको ये वन टाइम तो बहुत जरूर से करना है. सिर्फ 9 rupees में आपको वन टेस्ट मिलने वाली, तो आपको ये तो मस्ट बाय आपको करना ही करना है. सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो. वेलकम बैक, आई एम आदित्य अनवर्च आदित्य CIP. सो वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ टॉपर सेशन फॉर MSTCET 2024 एग्जामिनेशन. तो आज हमारे साथ है हर्षाली फ्रॉम CIP मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली सेकेंड ईयर की है. तो आपको पूरा गाइड करने वाली कि लास्ट 20 days में आपको क्या करना चाहिए जस्ट टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू यू नो योर पोटेंशियल. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो चलिए आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. ओके, सो माय नेम इज हर्षाली संजय भंडारी. मेरा स्कोर और मेरा रैंक इन माय CET एग्जाम वाज 97th percentile और मेरा रैंक अराउंड 5000 था. सो बेसिकली आई एम इन COEP, मेरा ब्रांच है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग. माय स्कूलिंग वाज फ्रॉम लाइक द मिलिट्री स्कूल विच इज़ देयर इन पुणे. तो स्कूलिंग किया था. ऑल्सो आई वॉज लाइक फर्स्ट रैंकर इन माई कॉलेज ओवर देयर. तो बेसिकली दिस वाज माय ओवर की 12th तक का एनर. तो तुमने CET के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था? CET वाज लाइक लास्ट मोमेंट कि देना है या नहीं, मतलब एक महीने पहले ही डिसाइड किया था कि हाँ ठीक है CET दे देते. बेसिकली फोकस JEE पे था, बट आई स्विच लाइक CET भी दे देते बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. तो एक महीने पहले मैंने CET का थिंग जो है वो स्टार्ट किया था. बेसिकली लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन ही था. बेसिकली सभी का ऐसे रहता है कि स्टार्टिंग में प्रिपरेशन JEE का करता है, बट लास्ट में स्विच करते हैं CET के ऊपर. ठीक है, तो लास्ट में जो स्विच किया लास्ट एक मंथ का, तुमने एक मंथ में ऐसे लाइक नया क्या किया था, या फिर ऐसे कौन से मस्ट डू थिंग्स थी जो तुमने की थी जो तुम बताना चाहोगी अपने जूनियर्स को? ओके, सो मस्ट डू थिंग्स में देर आर स्पेसिफिक थिंग्स जो हमको करने हैं. तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी रहती है बेसिकली किसी भी लाइक एग्जाम को क्रैक करने के लिए. तो फर्स्टली आपको वो सब्जेक्ट का पैटर्न पता होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए. ये बेसिक नीड्स है सब्जेक्ट की. तो ये दोनों चीज़ बेसिक है. और सिलेबस में इट इज़ ओनली योर 12th बोर्ड सिलेबस, उससे एक्स्ट्रा नया कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है अभी के लिए. सिर्फ 12th बोर्ड्स के सिलेबस के अगर क्वेश्चंस भी किए तो भी आपका थियोरी कवर हो जाता है. और 12th बोर्ड्स के नीचे का लेवल का थियोरी इज़ देयर इन योर फिजिक्स. केमिस्ट्री का है अच्छा सा. केमिस्ट्री में यू हैव टू फोकस बेसिकली ऑन केमिकल रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक के थियोरेटिकल क्वेश्चंस और फिजिकल के क्वेश्चंस में मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस. मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. कैलकुलस वाला पार्ट इज़ द वन विच हैज़ हाईएस्ट वेटेज. उसमें आएगा आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर कैलकुलस पूरा, मतलब वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लाइन एंड प्लेन, वो सब. उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस आपको देना है वो आपके अल्जेब्रा वाले सेक्शन पे देना है. और जो आपका 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है उसका बहुत कम वेटेज है. ज़्यादा वेटेज नहीं है, ज़्यादा वेटेज इज देयर फॉर 12th मार्क्स. तो 11th के लिए है वेटेज बट 30% का वेटेज है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कैलकुलस तुमने बताया कि वो लाइक मस्ट डू करने करके जाना उससे ज़्यादा रहता है, तो बच्चों को कैलकुलस थोड़ा टफ जाता है स्टार्ट करने में, तो वो कैसे डील कर सकते हैं फियर की? लाइक तुमने लेक्चर भी कर ली कैलकुलस की, बट स्टिल जो क्वेश्चंस लगाने में लगते नहीं क्वेश्चन, डर लगता है लगाने के लिए. ओके, सो बेसिकली अब मेरा तो पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है. आई हैव
टॉट माई सी टी स्टूडेंट्स, मेरे जेई के स्टूडेंट्स भी हैं, मैं अकेडमी में पढ़ाती भी हूँ. तो बेसिकली ये हर एक स्टूडेंट का सेम चीज़ रहता है. किसी भी कैलकुलस को अगर आपको सॉल्व करना है, एक्चुअली मेरा पढ़ाने का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स ही है, तो अगर आपको कैलकुलस को स्टार्ट करना है तो फर्स्टली आपको फार्मूलाज तो भी पता होने चाहिए. अभी लास्ट मोमेंट लास्ट 20 डेज में आप बैठ के फार्मूला नहीं रट सकते, तो यू डोंट हैव टू डू रटिफाई थिंग्स, फार्मूला रटो ये रटो, नहीं. वो फार्मूला शीट आपके पास रेडी होनी चाहिए. आप शीट बनाने के लिए एक आवर इन्वेस्ट कर सकते हो, एक आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लेता. यू हैव टू फर्स्टली प्रिपेयर फार्मूला शीट, उसके बाद डायरेक्टली जंप करो पी वाई क्यूज पे. लास्ट मोमेंट पे अगर आपने सिर्फ मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के पी वाई क्यूज कर लिए तो ईजिली 95% डल के ऊपर आ सकते हैं. ओके, पी वाई क्यूज में कितने ईयर के सफिशिएंट रहेंगे? पी वाई क्यूज कम से कम 5 ईयर्स के कर लो, 2018 तक के पी वाई क्यूज. आप 18 अगर लाइक लास्ट मोमेंट ही है, मतलब किसी को कुछ भी करके पास होना है, अगर किसी को 12th स्टैंडर्ड तक का बोर्ड लेवल तक का आता है और सीटी देनी डायरेक्टली, ना जेई का वगैरह ऐसा कोई फंडा नहीं है, बस हमको जेई कैसे वैसे करके, सॉरी सीटी कैसे वैसे करके क्रैक करनी है, तो उस वाले केसेस में व्हाट यू हैव टू डू इज लास्ट 2 से 3 साल के लेटेस्ट जो पी वाई क्यूज रहते हैं, मतलब पिछले साल के 23, 22, 21, अगर ये 3 साल के पी वाई क्यूज ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिया सारे शिफ्ट्स का, उसमें एक ये चीज़ भी आती है कि अपने सारे शिफ्ट्स का पेपर के हर एक पी वाई क्यू को सॉल्व करना, अगर इतना भी कर लिया तो इट्स मोर देन सफिशिएंट. ओके, तो वन मोर क्वेश्चन आता है इसमें कि जो एक सिलेबस कर लिया है आफ्टर कम्युनिटी, स्टिल जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसको कैसे डील कर सकते हैं ईच सब्जेक्ट के लिए? अभी फर्स्टली आप उस क्वेश्चन को स्टडी करो. स्टडी कैसे करना है? अभी स्टडी के लिए मल्टीपल वेज है. अगर आपने नॉर्मली चैट जीपीटी कर लिया, गूगल कर लिया, किसी भी यूट्यूब पे है, हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक क्वेश्चन का सलूशन अवेलेबल है. नाउ सलूशन के लिए हमको अभी स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. पहले वो तो आप सलूशन देख लो कैसे करना है. एक तो दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, एक जो आपको पता है पर आपसे हो नहीं रहा, और दूसरा है कि आपने वो तो टॉपिक ही पढ़ानी है और फिर नहीं हो रहा है. तो दोनों बेस्ड में आप कैसे डील कर सकते हो? जो आपको आता है उसका कंसेप्ट तो आपको पता है. अगर आप फार्मूला भूल गए तो गो चेक योर फार्मूला, देखो फार्मूला क्या है, वापस ट्राई करो. बेसिकली अगर सब ट्राई कर लिया तो भी समझ ही नहीं रहा क्या करना है, बेसिकली उसको जाके पहले सोल्यूशन देखो, पहले सोल्यूशन को समझो, सोल्यूशन को क्लोज कर दो और वापस खुद से ट्राई करो. उससे क्या होगा कि सोल्यूशन का जो स्टेप्स थे वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं. यू हैव देन आइडिया कि अगर हाँ एग्जाम में आया था, इसका सोल्यूशन देखा था, ऐसे ऐसे स्टेप वाइज जाना है. एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन सीईटी, बट हर एक क्वेश्चन रिपीट हो वी कैंट से, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया. तो पैटर्न सेम रखते हैं वो, कभी भी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं करते. अभी जितने भी मैंने पी वाई क्यू एनालिसिस किया है तो उस पर पैटर्न आज तक उन्होंने एक भी क्वेश्चन का चेंज नहीं किया. इसलिए अगर पैटर्न समझ लिया तो नंबर चेंज हो या फिर घुमा के क्वेश्चन हो या फिर ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको सॉल्व नहीं होता, उस क्वेश्चन को और कितने टाइप से पूछा जा सकता है, आप वो एनालिसिस भी कर सकते हो. और ये एनालिसिस आपने टेस्ट में करना चाहिए. ओके, मॉक टेस्ट में. मॉक टेस्ट में तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, आपकी क्या सोची आपने और कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे? तो अगर आपने कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो टेस्ट अटेम्प्ट करने का एक सिंपल चीज़ रहता है. फर्स्टली सिर्फ देने के लिए टेस्ट नहीं देनी चाहिए, यू शुड गिव योर टेस्ट. टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू. सबसे टेस्ट देने से भी इंपॉर्टेंट टेस्ट एनालिसिस होता है. अभी जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसका एनालिसिस आप नहीं करते हो, पर जो एक्चुअल में आपको नहीं आते हैं उस हर एक क्वेश्चन का अगर आपने एनालिसिस किया, जैसे मैंने कहा था एक तो वन वाज लाइक जो आपको आता है, और अलग कैटेगरी थी कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है, टॉपिक ही स्किप कर दिया, तो बस उस टॉपिक का आप उतना ही थ्योरी पढ़ लो. कि सपोज मेरा क्वेश्चन है, अगर मैंने कोई टॉपिक लिया लॉजिक वाला, अगर लॉजिक का किसी को हार जाता है टॉपिक, उसने किसी कोई पार्ट स्किप किया होगा, कोई फार्मूलाज डी मॉर्गन्स एंड ऑल, कोई लॉ स्किप किए होंगे, तो गो एक बार वो बस लॉ पढ़ लो, उसका थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लो और वापस ट्राई करो क्वेश्चन, क्या पता हो जाए. उससे कि आपका लास्ट मोमेंट में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू. बट हाँ, जो आपने छोड़ा है पर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आप कवर करके जाते हो, मतलब 100% छोड़ के मत जाओ, 30-40% छोड़ के गए तो इट्स नाइस. ओके, कुछ ना कुछ तो करके ही जाना है, कोई भी चैप्टर कम्प्लीटली स्किप नहीं करना है. यस, कम्प्लीटली स्किप किसी को मत करो. ओके, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है. मॉक टेस्ट और कितने मॉक टेस्ट लाइक सफिशिएंट अपन कह सकते हैं? वीकली अभी लास्ट 20 डेज में अगर डेली एक भी टेस्ट दे दी या फिर डेली एक ही देनी बेटर रहेगी, क्योंकि आपको रिविजन करना है, आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है, आपको टेस्ट देनी है, उसके बाद आपको खुद का प्रैक्टिस करना है हर तीनों सब्जेक्ट्स का. अब लास्ट मोमेंट के आपको किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा वेटेज नहीं देना है. अगर सीईटी का पर्सपेक्टिव हो तो आप मैथ्स पे ज़्यादा वेटेज दो, क्योंकि इट्स 100 मार्क्स. फिजिक्स केमिस्ट्री
आप थोड़ा सा कम मतलब अल्टरनेट डेज कर सकते हो, आज फिजिक्स तो कल केमिस्ट्री, फिर वापस परसों फिजिक्स तो उसके बाद केमिस्ट्री, क्योंकि मैथ्स इज 100 मार्क्स, अगर मैथ्स में 2 मार्क का एक क्वेश्चन है उसमें अगर गलती हुई तो बेयर नहीं कर सकते 2 मार्क्स। और मैथ्स में स्पेशली कैलकुलस का पार्ट, कैलकुलस वाला पार्ट, वेक्टर्स वाला पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अब मान लो कि 70 और 80% सिलेबस हुआ है, स्टिल उनका सिलेबस ही पेंडिंग है, उनने ना ही PYQs किए ना ही उनने मॉक टेस्ट लगाई है, तो उनके लिए क्या रूटीन होना चाहिए, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए लास्ट के 20 डेज के लिए? बेसिकली अभी कोई मॉक टेस्ट जो लाइक एप्लीकेशन थ्रू होते हैं वो देने के बजाय आप जो पिछले साल के पेपर्स थे उसकी वाली मॉक टेस्ट वाले पेपर्स दो, मतलब जो लास्ट ईयर अगर मेरा कोई पेपर आया है उसका ही कोई कोई लोग पेपर बनाते हैं, तो वैसे टाइप ऑफ टेस्ट दो, मतलब जिससे कि एक साथ ठीक है एक तीर दो निशान है, पेपर भी सॉल्व हो रहा है और PYQs भी सॉल्व हो रहा है, इफेक्टिवली स्टडी भी बन जाएगा। बेसिकली मैटर करता है कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैटर तो लास्ट में यही करता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस बना रहे हैं। अगर अगले वाले को थ्योरी पता है, सब पता है, अगर एक बार क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया तो इट्स इजी। CET क्रैक करना आजकल बिल्कुल भी टफ चीज नहीं है, यही कि क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच समझना चाहिए, बस अप्रोच समझ गया देन यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन। इजीली सॉल्व, फिजिक्स इजी है, कंपैरेटिवली बहुत इजी फिजिक्स है, उसके बाद नेक्स्ट इजी इज योर केमिस्ट्री, बस ऑर्गेनिक ही करना है। ऑर्गेनिक में भी नेम रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस करना है, नेम रिएक्शंस वो तो रट ही लेना है, रट लो डायरेक्टली, रट लो, रट अगर रट्टा भी नहीं मार जा रहा है, अभी याद किया हटी के बाद में भूल गए, अगर वैसे भूल रहे हो तो मैकेनिज्म पे स्टिक रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी एक नेम रिएक्शन है तो उसी पे ही फोकस आएगा, नहीं, एक नेम रिएक्शन उसके बाद दूसरे का रिएजेंट जुड़ेगा, तो आपको फाइनल आउटपुट निकालना आना चाहिए, तो अगर ऐसे आउटपुट की अगर स्ट्रैटेजी कर ली तो एक चीज़। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट होने वाला है, तो उनके लिए रिविजन टेक्निक क्या होनी चाहिए, वेदर लाइक ऐसे भी बच्चे की जिनने अभी तक PYQs नहीं किए, सबसे ज़्यादा से कंप्लीट किया है, ठीक है, वेदर उन्हें भी PYQs करने चाहिए और रिविजन पे फोकस करना चाहिए, और कैसे ये चीज़ें मैनेज करनी चाहिए? अभी बेसिकली जैसे मैंने बोला कि डेली 2 सब्जेक्ट्स पे आपको स्टिक रहना है CET के लिए, मैथ्स तो डेली होना ही चाहिए। रिविजन करते समय एक तो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, जिन्होंने पूरा एकदम शिद्दत से नोट्स बनाए हो, और ऐसे हो कि जो नहीं क्या नोट्स भी बनाए हैं, फार्मूला शीट्स सब कुछ तैयार है, एकदम वेल सेटल्ड, और दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं कि कैसे भी से करके सिलेबस कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है, लेक्चर्स देख के कुछ ना कुछ करके वन शॉट देख के फाइनली। तो आप अलग चीज़ का ये कर सकते हो कि जिसके पास कोई नोट्स नहीं है, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, सेट खुद का कुछ नहीं है, जो लेक्चर्स के भरोसे या किसी के भरोसे बस पढ़ लिया है कुछ ना कुछ करके, वन शॉट वीडियोस से आप रिविजन करना स्टार्ट कीजिए। वन शॉट लेक्चर की जो पूरी सीरीज रहती है जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं, पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग CET का कंटेंट, और हाँ ऐसा ही कंटेंट पढ़ना जिसको अच्छे व्यूज है, जिससे अच्छे रिजल्ट्स आए, तो कंटेंट भी किसका पढ़ना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन दैट, हर एक का अच्छा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, जिसने रिजल्ट्स दिया है सच में और जिसका कंटेंट इज़ गुड उसका ही पढ़ो, लास्ट मोमेंट पे इसका कम टाइमिंग है इसका पढ़ते हैं, हाँ। ये वाला स्ट्रेटेजी, ये भी चीज़ होता है कि लाइक दो तीन दिन टीचर से सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इसका करो या उसका करो, तो आधा इससे कर लेंगे आधा उससे कर लेंगे, ऐसा नहीं करना, एक टीचर पे स्टिक करना, क्योंकि एक टीचर का जो फ्लो रहता है पढ़ाने का वो उसी फ्लो में पढ़ के आप वही एक ही चीज़ याद रख सकते हो, इसका अलग टेक्निक है, इसका अलग टेक्निक है, उधर जाके आप टेक्निक ही भूल जाओगे, और कभी भी शॉर्टकट्स पे फोकस मत करना। मैथ्स में इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो शॉर्टकट बेस्ड आते हैं CET में, बस उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के पैटर्न को स्टिक रहना, पर हाँ शॉर्टकट के साथ साथ आपको डिटेल्ड मेथड भी सीखना इम्पॉर्टेंट है, अगर वहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं आया, भूल गए, तो आपको एक प्लान बी मतलब उसको सॉल्व करते कैसे हैं वो पता होना चाहिए, और इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऐसे क्वेश्चन है जिसका प्रैक्टिस लगेगा, और PYQ से करो तो और इजीली जाएगा, क्योंकि अभी बुक्स पढ़ने का या फिर पूरी पहले टेक्स्ट बुक कर लेते हैं फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं वो करने का टाइम ही नहीं है, डायरेक्टली PYQ पे जाकर। ओके, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मान लो ऐसा कोई स्टूडेंट है कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी इसको रियलाइज़ हो रहा है अच्छा कि मेरे को एग्जाम देना है आफ्टर 20 डेज, वो अभी नींद से उठा है, ठीक है, तो उसके लिए एटलीस्ट तुम ऐसे लाइक मस्ट डू थिंग्स क्या कहोगे कि एटलीस्ट ये तो करके ही जाना है सो दैट तुम कहीं तो स्टैंड आउट कर लोगे, तो एटलीस्ट थिंग बता दो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने लाइक कुछ किया नहीं, पढ़ाई नहीं है कुछ भी अभी तक, ना किसी चीज़ का प्रिपरेशन किया है ना कोई चीज़ पे फोकस्ड रहे हो, तो उस केसेस में व्हाट यू हैव टू डू कि जाओ
और वन शॉट देखना चालू कर लो। वन शॉट के वीडियोज होते हैं 5-5, 6-6 आवर्स के, उसमें बहुत लोग डिटेल में पढ़ाते हैं। अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आई विल रिफर फ्यू एट द एंड, जो डिटेल में पढ़ाते हैं लिटरली। वन शॉट में भी वो स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उससे आपका थ्योरी हो जाता है। और बहुत लोगों का ग्रैस्पिंग पावर कोरोना की वजह से तो बढ़ गया, एटलीस्ट मोबाइल वाला ग्रैस्पिंग पावर। डायरेक्टली गो फॉर वन शॉट वीडियोज, चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोज देखना स्टार्ट करो, और वन शॉट वीडियो देखे देखे गो फॉर PYQs। और ये ऐसा पहले तो स्टार्ट करो मैथ से, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे वन शॉट फुल लेंथ वाले वीडियोज आते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर वाइज भी आता है, तो आप आइदर चैप्टर वाइज चूज करो, और चैप्टर वाइज चूज करना बेटर है। वन शॉट वो एग्जाम के एक दो दिन पहले भी आता है ना, लेटेस्ट वाले, वो तब देख लेना, तब वो लास्ट रिविजन के जैसे, और तब वो लोग PYQs भी लेते हैं उसके साथ साथ, तो उधर का यू शुड टेक एज मच एज बेनिफिट एज पॉसिबल टेक्नोलॉजी से। जितना ज़्यादा बेनिफिशियली यूज़ करोगे, अभी मेरी हमारी जो बैच है कोविड बैच, हमने हाँ बेसिकली वी वर लाइक 10th का ऑफलाइन एग्जाम देके हम 2 साल आइसोलेट हो गए कोविड की वजह से, और 12th का ऑफलाइन एग्जाम दिया। तो वी वर द वन जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले थे, जिसने सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा है और एग्जाम ऑफलाइन, मोस्ट अनलकीस्ट बैच, मतलब पढ़ा ऑनलाइन है पर एग्जाम ऑफलाइन है। या तो उसमें करना ऐसा है कि जितना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, या फिर किसी भी पेड मैचेस लिए हैं आपने, अलग अलग कोचिंग्स लगाए हैं, तो कोचिंग में अगर वन शॉट हो रहा है, अच्छा प्रॉपर रिवीजन हो रहा है, तो गो एंड वेस्ट योर टाइम ओवर देयर। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यूट्यूब का बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट है, बहुत सारे लोग एफर्ट्स ले रहे हैं जिससे आपका रैंक आए, उनका उसका फ़ायदा है, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, पर खुद का फ़ायदा देखो पहले कि किधर से कितना ज़्यादा आप ग्रेस कर पा रहे हो। पहले कंटेंट पढ़ लो, वन शॉट देखो, जिससे सारी थियरी हो जाएगी। 2x पे देखना, 2x इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल स्पीड अभी के मोमेंट पे। और उसके बाद PYQs वो ले लेते हैं आधे तो क्लास में, आधे हो ही जाते हैं, बस जो बचे कुचे हैं खुद से सॉल्व करो, जिससे कि खुद का कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और नॉन एकेडमिकल भी बहुत से क्वेश्चन है कि अभी जो एंड मोमेंट पे ना पढ़ने का मन नहीं करता है, और स्लीपीनेस बहुत आता है लास्ट लास्ट के टाइम पे, 24 घंटे रहता है पूरा दिन घर पे, अभी तो स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है, स्टिल जो दिन कहा जाता है वो समझ नहीं आता है, तो हाउ टू डील विथ दोज थिंग्स, स्लीप साइकिल भी खराब हो चुका है, सो हाउ टू डील विथ दिस सिनेरियो। सी, स्लीप साइकिल पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, एटलीस्ट अभी 20 days है, लास्ट एक वीक तो स्लीप साइकिल वैसे भी ऊपर नीचे होने वाली है, पर अभी के जो बेसिकली 15 days है, मिनिमम 6 hours का स्लीप इज़ मैंडेटरी। 6 hours सोओगे ना तो कुछ नहीं होगा, लाइक हाँ अगर कुछ कुछ लोग होते हैं जो दोपहर का सोने का आदत रहता है, पुणे का फॉर एग्जाम्पल, या लाइक ऐसा तो होता है, मतलब पुणे में 1-4 स्लीपिंग रिचुअल है, बट अभी स्लीपिंग रिचुअल्स को साइड में रखो, चाहो तो यू कैन गो मैक्स टू 6-7 hours का स्लीप। 6 hours आप रात को सोना ही है, नहीं तो आपका ब्रेन डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा। और एक होते हैं जो रात में जग के पढ़ाई करते हैं, ठीक है यू स्लीप एट 2-3, अगर कोई एक को सोता है वो 2-3 को सो जाओ, और सुबह जाके 10 को उठो, 10 को उठने के बाद ऑटोमेटिकली फ्रेशर होते हैं, क्योंकि नाश्ता मिलता है बेड पे, चाय मिलती है, डायरेक्टली बेड पे बैठो, उधर से उठो, डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाओ, फिर दोपहर को स्लीप अवॉइड कर लेते हैं। दोपहर का स्लीप ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाता है अगर लेट नाइट स्टडी कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी लेट ही उठते हो। और हाँ, जो कोई सुबह उठता है 3-4 बजे, तो 4 बजे उठता है या फिर 5 बजे उठता है, मॉर्निंग वेकर्स, तो उनके लिए 1 hour स्लीप इज ओके दोपहर, क्योंकि ब्रेन को थोड़ा सा आराम, रिलैक्स। हाँ ओके, तो अभी ये रही मोटिवेशन की बात है, तो लाइक लास्ट का 20 days बाकी है, तो क्या अब भी हो सकता है? Yeah. अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है? अभी ये तो नहीं बोल सकती 99.9% तुम लोग स्कोर कर लोगे 20 days में पढ़ के, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, स्टिल अगर 20 days में पढ़ा जाए पूरे इफिशियंसी से, पूरे पोटेंशियल से, तो कितने तक खींच सकते हैं परसेंटाइल? ओके, सो बेसिकली मैं तो जेई स्टूडेंट थी, मुझे CET का लाइक फंडा, आई वॉज लाइक देना ही नहीं है CET, एडवांस के लिए ऑलरेडी क्लियर हो गई थी, तो एडवांस भी फोकस था, और फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे हम, क्योंकि अब भी बोर्ड्स के एग्जाम दो, इसके एग्जाम दो, वो ये वो, हर किसी ने एटलीस्ट JEE का फॉर्म भरा, एक तो अटेम्प्ट दिया ही है, तो फ्रस्ट्रेशन तो ऑलरेडी है ही कि इधर करो ये करो, कितना पढ़े पढ़ के, लास्ट का आई टेल यू, लास्ट बस 20 दिन बचे, 20 दिन के बाद तो बस एन्जॉयमेंट ही है, इंजीनियरिंग लाइफ में लिटरली वी जस्ट एन्जॉय। 3 महीने का सेमेस्टर होता है, जिसमें से हर महीने तो फेस्ट रहता है, और जो बचा हुआ गैप रहता है उसमें एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम में भी एक दिन पहले पढ़ना है, तो ये सारा एन्जॉयमेंट। अगर मोटिवेशन ना मिले, कुछ कुछ के होता है कि लाइफ में श्रद्धा नहीं है तो पढ़ के क्या फ़ायदा है,
तो श्रद्धा तभी आएगी जब कॉलेज अच्छा मिलेगा। श्रद्धा जरूर आएगी। श्रद्धा जरूर आएगी क्योंकि श्रद्धा ने भी प्रपोज कब किया था मनोज को, जब वो इंटरव्यू जा रहा था, एग्जाम क्रैक थी भाई की, तो पहले खुद की एग्जाम क्रैक कर लो, ऑटोमेटिकली श्रद्धा नहीं श्रद्धा से बेटर आएगी। एग्जैक्टली, ये लास्ट का टाइम है। मोस्टली तुम लोग, बहुत से लोग हैं जो कि सिटी शिफ्ट करते हैं कॉलेजेस के लिए, तो तुम पेरेंट्स के साथ भी बहुत कम टाइम रहने वाले इसके बाद, ठीक है? जब लाइक तुम लोग को छुट्टियां तो मिलेगी, बट तुम्हें एज अ यू नो मेहमान ट्रीट करेंगे घर पे, ठीक है? तो ये जो टाइम है तो मोस्टली पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो, मोस्टली मदर के साथ, फादर के साथ, ठीक है? अगर किसी के लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए जरूर करना। एग्जैक्टली, अगर देखो आपके पेरेंट्स डोनेशन भर के आपका एडमिशन करवाए, उसके बाद घिस के वापस आपकी फीस भरे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या खुद के दम पे आप खुद का कॉलेज पालो, सिर्फ नॉर्मल भी फीस भरो, अभी खुद का रिस्पेक्ट देख लो। हाँ, अगर पैसे खर्ची कर रहे हैं घर वालों के, अगर अच्छे भी हो फैमिली, रिच फैमिली भी हो, तो भी यू शुड हैव वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी रुपी। डोनेशन भर के एडमिशन लेना है या खुद के दम पे एडमिशन लेना है, जो रिलेटिव्स हैं उनके मुंह बंद करने का बेस्ट टेक्निक है खुद के दम पे एडमिशन लेना। एग्जैक्टली, पैसे भर के वैसे भी वो भी उनके बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या है? और अगर अच्छी शिद्दत से, 20 डेज इज टू मच, सीटी है, बहुत बहुत सिंपल एग्जाम है, कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं, ना नेगेटिव मार्किंग है ना कुछ है, दो ढाई घंटे का पेपर है, बस 200 क्वेश्चंस है, उसमें भी एक एक मार्क के क्वेश्चंस, दो मार्क के क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड सिलेबस है, नहीं, वन शॉट वीडियोस देख देख कर और PYQ सॉल्व कर, आई कैन गारंटी यू, अगर इतना भी कर लो 20 डेज में, पूरा वन शॉट शिद्दत से देखो, टॉपिक समझो। मैंने भी बहुत सारे चैप्टर स्किप किए थे मेरे टाइम पे, बस वन शॉट वीडियो देख के मेरा चैप्टर हो गया था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारी थियरी कवर कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट वाला कवर करते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहता है 20 ईयर्स का, उनको पता है टीचर्स को पढ़ाना क्या है, और वैसे भी अभी मैं खुद पढ़ा रही हूँ, मुझे भी पता है कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना क्या है। आई टेल देम कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर पूछा नहीं जा रहा तो मैं उसको पढ़ा ही क्यों? और हम जब नॉर्मली पढ़ते तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है भी और इंपॉर्टेंट नहीं भी है, बेसिकली जस्ट फोकस कि इंपॉर्टेंट क्या है। वन शॉट वीडियोज़ देखो, गो ऑन PYQs, अगर PYQs देने में अगर आपको नींद आ रही है, PYQ वाली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट में लोग PYQs को ही इंक्लूड करते हैं, गो फॉर मॉक टेस्ट जो PYQs से रिलेटेड हो, जिसमें PYQs वाले क्वेश्चन हो, उससे एक तीर दो निशाने हो जाते हैं, एंड आई गारंटी यू अगर इतना कर लो अच्छे से, वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से यू कैन स्कोर 120 मार्क्स प्लस आराम से, जिसका परसेंटाइल 95 के ऊपर ईजिली है। COEP जैसे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस आपको बहुत ईजिली मिल सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड टू गेट इन कॉलेज, इट्स जस्ट कि आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, बस उतना ही है। आपका जो अल्टीमेट मोटिवेशन है, those are your parents. Yeah. If you know worth of them, then you don't need any motivation ki padhne ke liye, normal stuff karne ke liye. So this was the interview with most versatile person, Harshali. Or you know, she is upper of our class. देखो भाई, शी इज़ मैनेजिंग हर कोचिंग अलॉन्ग विद हर एकेडमिक्स, ठीक है? तो और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम है कि पढ़ने का काम है, लास्ट 20 डेज बाकी है। आगे क्या आगे भाई, इफ शी कैन डू देन भाई यू तुम तो कर ही लोगे, राइट? और आई विल टेल यू, एक्स्ट्रा करिकुलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने मेरा एक भी एक्स्ट्रा करिकुलर कभी स्किप नहीं किया, ना मेरे 11th 12th में। येस, देर वॉज कोविड, बट स्टिल आई यूज टू गो फॉर माई अकेडमिक। स्पोर्ट्स मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, इधर भी आके आई एम लाइक अकेडमिक्स ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए कॉलेज आ रही हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और कॉलेज लाइफ बहुत सही है, बोट क्लब है, एक ग्राउंड है, अलग अलग क्लब्स है, फेस्ट तो हर महीने में, एवरी टाइम कॉलेज में लोग आते हैं तो सिर्फ फेस्ट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ने के लिए तो एग्जाम के टाइम एक दिन पहले सबमिशंस और एग्जाम के टाइम ही लोग दिखते हैं कॉलेज। दैट्स व्हाई इंजीनियर स्टडीज, या दैट्स व्हाई इंजीनियर्स लाइक इंजीनियरिंग छोड़ के सब करता है इंजीनियर, ये आपको इंजीनियरिंग में आके ही पता चलेगा। या यू कैन डू एवरीथिंग एक्सपेक्ट इंजीनियरिंग, अभी ही पढ़ना है, अगर अभी पढ़ लोगे ना तो वैसे भी इंजीनियरिंग में चिल ही करना है, मतलब फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, सब कुछ है, बट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस अभी पढ़ के कि हो जाएगा, इतना चिल रहोगे कि इतना मोटा बुक है और एक रात है उसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं और यू आर लाइक ठीक है एक रात रहे, बहुत टाइम है ये वाला आप वर्ड खुद से बोलोगे, अभी 20 डेज है, इट्स टू मच, इजीली हो जाएगा, बस एक चीज़ रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे ट्रस्ट करो। जो होता है ना बंदा जिसको आई एम लाइक आई एम वेरी पुअर, मेरा आज तक कभी अच्छे मार्क्स नहीं आया, यू शुड फोकस कि आपको आता है, पहले खुद को बोलो कि यस मुझे आता है, गिव अ जंप, खुद से स्टार्ट करो। अगर खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तो किसी और को क्या करोगे?
Exactly. अगर खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो पेरेंट्स को कैसे संभालोगे, फिर श्रद्धा को कैसे संभालोगे जो भी आएगी वो. श्रद्धा किसी का श्रद्धा किसी का मनोज दोनों तरफ से होता है. इक्वालिटी, वी बिलीव ऑन इक्वालिटी. यहाँ पे इधर से भी है इधर से भी है. इफ़ यू नीड अच्छा वाला IPS ऑफिसर इन योर लाइफ तो पहले खुद उसके लाइकिंग काबिल बनो. हाँ उसके काबिल बनो. राइट. सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द वीडियो. आपको बहुत सारे मोटिवेशन की डोज मिल चुके हैं इस वीडियो में. सो थैंक यू सो मच अर्शाली फॉर दिस इंटरव्यू. होप ये इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो बाकी और अगर आपको कोई डाउट वगैरह होंगे तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन. और इसको भी बोल दूंगा कि कमेंट आंसर कर लेगा. आई विल आंसर ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ द कमेंट सेक्शन. आई प्रॉमिस आई विल आंसर. ओके तो आप जरूर से इस वीडियो के अंदर डाउट डालो. शी विल आंसर योर कमेंट. सो बाकी पढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ऑल द बेस्ट गाइस. थैंक्स. कड़क बोल लिया तू.